अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं मजीद सलीम उस्ताद यानी मोहम्मद सलीम उस्ताद। दोस्तों वही मेरा एक नारा, शौक को बढ़ावा देने का, देता हूँ देता रहूँगा ता जिंदगी। आप दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। दोस्तों मैंने गिवअवे फोर में जो सवाल पूछा था कि कुरेज में क्या क्या दाना खिलाना चाहिए, तो कुरेज में दाना खिलाने के लिए बहुत लोगों ने, तकरीबन 20 लोगों ने सही, जो मुझे जवाब सही लगा उन 20 लोगों ने सही आंसर दिया और मैंने लक्की ड्रॉ निकाला। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई 20 लोगों को तो इनाम बांट नहीं सकता, इनाम थे तीन। ये तीन इनाम थे, तो मैं कंफ्यूज हो गया और 20 लोगों ने सही आंसर का जवाब दिया, क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ठीक है। और उसमें जो विनर हैं, उसमें जो तीन लोग विनर हैं, जिसमें एक मंजीत हैं मेरे भाई, उनका नाम है मंजीत भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक संदीप कुमार हैं, संदीप कुमार मेरे भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप साइड में देखना, नंबर आ रहे होंगे उनके नाम के साथ नंबर, ठीक है। पहले मंजीत भाई, फिर संदीप भाई, और एक है अमित वर्मा, इन्हें मैं जानता हूँ, बहुत व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते रहते हैं मेरे से। तो अमित वर्मा जी, आप तीनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप तक ये पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं जल्दी ही पहुँचा दूँगा। और दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट सवाल है उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उस नेक्स्ट सवाल के लिए एक ही विनर होगा और वो है मेरा तिरंगा बाना। इस तिरंगे बाने में मैंने बहुत कलर बना रहा हूं, अभी इस वीडियो में आप देखना एंड में 8 या 9 कलर आएंगे, जबकि 20 कलर बना रहा हूं नए। आप देख सकते हैं कितना शानदार है तिरंगा बाना, बेजोड़। आप पहनाते हो कबूतर की वैल्यू और बढ़ जाती है, खूबसूरती, जो कबूतर खूबसूरत है ना वो और खूबसूरत लगता है ये पहन के। और जो मैं कलर आप और बना रहा हूँ तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब, वीडियो के लास्ट में जरूर देखें, वो मेरा ऐड जिसमें मैंने कलरों की वीडियो डाली है, अभी आगे उसमें कलर आते रहेंगे तो जुड़ते रहेंगे, तो आप देख जरूर देखना। ये जो मेरा गिवअवे 5 है, जो भी सही जवाब देगा उसके लिए है, ये उसके नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे भाइयों, आप भाइयों के लिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि कबूतर को बसाना चाहिए या नहीं बसाना चाहिए लड़ाइया में। अक्सर पतंगबाजी में भी क्या होता है, लोग भागना चोर पेच लड़ाते हैं, आगे पांडा लगा के पीछे वैसा मांझा लगा के, तो हमने पतंगबाजी भी बहुत करी है। तो दोस्तों आप ये बताइए, बसा के लड़ाने से क्या मैटर है, आप पे खेल ऐसा होना चाहिए कि आप तावा तोड़ लड़ाए, कबूतर जाए घुसे दूसरे की टुकड़ी में और सीधा घर पे आए, वो तोड़ मार रहा है, आर जार का पक्का होना चाहिए, आमद का पक्का होना चाहिए। लड़ाइया तो वो चीज है कि आप संभल के लड़ाएंगे। अब लोग बात क्या करते हैं, बगलों में इत्र लगा रहे हैं, नान दे रहे हैं, धूमों पे लगा रहे हैं, धूनी भी लगा देते हैं बसाने के लिए। तो कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं, उस्ताद जी बसाने का नान बताए या बसाने पे क्या क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज जो है
चोरी वाली है, यानी कि आप सामने वाले के मारना चाहते हो। तो मारना चाहते हो तो दोस्तों कबूतर को आमद का पक्का करना चाहिए, खेल का पक्का करना चाहिए। किस चीज का पक्का करना चाहिए? कि कबूतर जाए और लड़े। तो मेरा ये सवाल ये है कि हमें बसा के लड़ाने चाहिए सामने वाले से या नहीं, यानी कि हम उससे धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्योंकि जो कबूतर बसा में घूमता है तो वो ज्यादा घूमता है, तो आप पे ऐसा खेल भी होना चाहिए ना, कबूतर जाए और घुसे और आए। तो मेरा ये सवाल है कि बसाने चाहिए या नहीं बसाने चाहिए, आप सोच के जवाब देना। और जो भी सही जवाब देगा, जो भी ये सही जवाब देगा मेरे भाई, उसे तिरंगे अपने खर्चे पे मैं भेज दूंगा। और वीडियो के लास्ट में जरूर देखना तिरंगे, ये गिवे 5 है। तो आप भाइयों से मैं ऐसी सवाल पूछता रहूंगा। और हाँ, अभी एक मैंने वीडियो डाली थी खलीफा ऋषिपाल जी हमारे गोंडली में, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने जानकार हैं, भाई हैं, यानी कि कहने का मतलब है। तो वहाँ मैं नींबू पानी पी रहा था, तो किसी ने कमेंट करा कि यार रमजानों में तुम तो मेरे भाई, वो रमजानों से पहले की वीडियो है, पहले की। अभी मेरे पे 10 वीडियो पड़ी है शूट करी हुई, ठीक है, वो अलग बात है मुझे डालने का वक्त मिलता है या नहीं मिलता। तो वो रमजानों से पहले की है, ना कि रमजानों में, ये रमजानों में की वीडियो है। तो दोस्तों समझना चाहिए कि आदमी ने कब वीडियो, ये थोड़ी हम वीडियो बना के तुरंत ही डाल ले भाई। मेरे पे तो अभी उस्ताद पम्मी के लालपन घाघरों की भी है, कुछ मेरे शागिर्दों की है, कुछ कबूतरों की नस्ल के ऊपर भी है, मेरे पे 8-10 वीडियो बनी भी पहले की पड़ी है। तो वक्त वक्त पे मैं डालता रहता हूँ। तो मेरे भाइयों ऐसी बात ना करिए, आप समझिए कि हमने वीडियो कब बनाई है और कब हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप गिवअवे में पार्टिसिपेट करें, फिर सुन लीजिए कि हमें बसा के कबूतर लड़ाना चाहिए या नहीं लड़ाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दुआओं की गुजारिश है, आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए गिवअवे जीतने के लिए, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। न्यू कलर ग्रीन और ब्लैक। नया कलर ग्रीन और ब्लैक, नया कलर मजंटा और ग्रीन। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है। देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब नया कलर दोस्तों, रेड एंड ब्लैक। देखिए कितना शानदार है, रेड एंड ब्लैक आप देख सकते हैं, बहुत ही शाइनिंग। देखिए दोस्तों ब्लैक और स्काई ब्लू न्यू कलर, बिल्कुल लाइट वेट, ओनली 1000 ग्राम वजन। आप देख सकते हैं कितना शानदार बना है दोस्तों, एक तरफ से साइज छोटा है और एक तरफ से बड़ा, ये छोटा साइज और ये बड़ा साइज। दोस्तों मजेंटा कलर, कितनी शाइनिंग है पीस में बता नहीं सकता दोस्तों, बहुत ही शानदार मजेंटा कलर तिरंगे में, बहुत ही लाइट वेट। देखिए दोस्तों डार्क ब्लू और येलो, गोल्डन में येलो है, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं एक एक दाना नग है, देखिए दोस्तों ऑरेंज और स्काई ब्लू, क्या शानदार लग रहा है दोस्तों, क्या शाइनिंग,
आप देख सकते हैं एक एक बाना नग है, ऑरेंज और स्काई ब्लू, वो बहुत ही लाइट वेट, ऑरेंज की तरफ से छोटा है मुंह और स्काई ब्लू की तरफ से बड़ा, बनाने में भी आसानी, बिल्कुल पता ही नहीं लगता हाथ में क्योंकि आधा ग्राम वजन है। अब देखिए दोस्तों ब्लैक में येलो न्यू बनाए हैं, ये भी इतनी शानदार शाइनिंग है, देखिए ब्लैक में येलो, पहने पे भी कबूतर जचेगा। देखिए दोस्तों ब्लैक में वाइट, बीच में ब्लैक पट्टी है, ये न्यू कलर बनाए हैं मैंने, बहुत ही शानदार। तिरंगा बाना बिल्कुल न्यू बनाए हैं, देखिए क्या चमक है, बहुत ही शानदार दोस्तों। एक एक बाना नग है, आप पहनाएंगे तो कबूतर अलग ही नजर आएगा। नहीं देखिए तिरंगे में येलो और वाइट और ब्लैक, न्यू कलर है दोस्तों, बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। ये देखिए डार्क ब्लू बीच में वाइट पट्टी है, और ये देखिए ऑरेंज बीच में वाइट पट्टी है, बहुत ही शानदार, हल्के के हल्के। ये देखिए डार्क ग्रीन बीच में वाइट पट्टी है, और ये देखिए ब्लैक बीच में वाइट पट्टी है, बहुत ही शानदार लाइट वेट। और ये देखिए येलो बीच में वाइट पट्टी है, ब्लैक कलर के कबूतर को पहना सकते हैं। ये देखिए स्काई ब्लू बीच में वाइट पट्टी है, और ये देखिए रेड बहुत ही शानदार बीच में वाइट पट्टी है। ये देखिए मेरे पे ये आठ हैं, आठ कलर, एक तिरंगा और बाकी भी ये तिरंगे ही हैं सारे। दोस्तों किसी भी सेक्स समस्या के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नो कॉलिंग ओनली वॉइस। ये मेरे पे कोर्स है सेक्स समस्या के लिए, तीन तरह के कोर्स है मेरे पे, और ये कोर्स में पाउडर है, माजुन है और ये ऑयल है। बिना झिझके आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी। सेक्स समस्या के लिए आप जब मर्जी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी, ठीक है दोस्तों।